हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भजन एंड वेलकम टू माय चैनल बायोजीन। और आज हम बात करने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ प्लस वन, दैट इज़ द बायो मॉलिक्यूल्स। जनरली बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं, बट इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे आई ट्राई टू मेक दिस इजी फॉर यू, एंड इफ़ यू रियली लाइक माई कंटेंट डू शेयर इट, एज इफ यू फाइंड इट्स हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ हेल्प द अदर्स ऑल्सो। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू। सो मोटो जी हमारा वही रहेगा, दैट इज़ द एनसीईआरटी हमारी बेस गाइड रहेगी, और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं वो हमारा डायरेक्शन गाइड रहेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बायो मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बायो मॉलिक्यूल्स? बायो मॉलिक्यूल्स का लिटरल मतलब क्या है? लिटरल मतलब है मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ, ऑफ लाइफ, और मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग बींग्स। तो ये जी मतलब हो गया हमारा बायो मॉलिक्यूल्स का। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि हम पहले एनसीईआरटी की बात करेंगे, तो ज़रा एनसीईआरटी ही देख लेते हैं क्या है। ओके, एंड द स्टडी ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स is called biochemistry. So biochemistry is the study of the biomolecules. Now coming back to NCERT, there's a wide diversity in living organisms in our biosphere. Now question arises in our mind that are all living organisms made up of the same chemicals, that is elements and the compounds. So अगर हम बात करें chemistry की, how elemental analysis is performed, so if we perform such an analysis on plant tissue, animal tissue or microbial based, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several others in the respective content per unit mass of our living tissue. क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अगर हम एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है। सबसे पहले एलिमेंटल एनालिसिस क्या होता है? एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब है कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो लिविंग टिश्यू के अंदर या लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं, किसके कंपैरिजन में, विद रिस्पेक्ट टू द नॉन लिविंग। तो जब हम लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे तो हमें ये समझ आता है कि देर इज़ नो एब्सोल्यूट डिफरेंस। यानी जो लिस्ट हमें एक अर्थ के सैम्पल यानी कि सॉइल में मिलती है, सिमिलर काइंड ऑफ लिस्ट वी आर ऑल्सो ऑब्टेनिंग इन द लिविंग सिस्टम का। जो भी हम सैम्पल लेंगे, मे बी इट्स लिवर पीस, मे बी इट्स लीव्स, लीव का पेस्ट हो सकता है, लीव्स हो सकती हैं, और मे बी द इट कुड बी द माइक्रोबियल पेस्ट। सो जब हमारे में कोई एब्सोल्यूट डिफरेंस है ही नहीं तो डिफरेंस है कहाँ फिर? सो डिफरेंस लाइज इन द रिलेटिव अबंडेंस, मतलब कि दोनों की जो अबंडेंस है वो डिफर कर रही है। कुछ एलिमेंट्स यहाँ ज़्यादा हैं अर्थ क्रस्ट में और कुछ एलिमेंट्स आपके लिविंग सिस्टम के अंदर ज़्यादा हैं। तो कहते हैं इफ़ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन द पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट as example of non-living matter, we obtain the similar list. So what are the difference between the two? In absolute terms, no such difference could be made out. All the elements present in the sample of earth crust are also present in the sample of living tissue. However, a close examination reveals the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than earth crust. तो ये तो हो गया जो एनसीईआरटी अभी अभी बात कर रही है। सो हम इसकी बात भी करेंगे। सबसे पहले जरा हम अपने लेवल पे बात करते हैं। सो सब मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी है, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। बिफोर आई स्टार्ट विद द
लिटरल मीनिंग ऑफ दिस जो हमने अभी पढ़ा है, थोड़ी सी चीज़ें और कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें कि सेलुलर पूल क्या चीज़ होती है। एक लेमैन लैंग्वेज की डेफिनेशन लिखूंगी यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ऑफ द सेल। सेल तो सेल के आपके पास जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेलुलर पूल। और व्हाट इज द प्रिंसिपल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, द प्रिंसिपल एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, CHON। क्यों इनको प्रिंसिपल एलिमेंट्स कहते हैं, बिकॉज दीज फोर दे कॉन्स्टिट्यूट 95% ऑफ द सेलुलर पूल। तो सेलुलर पूल का 95% हिस्सा ऑलमोस्ट यही आपके बनाते हैं। और अगर मैं इसमें जोड़ दूं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड साथ में मैंने आपके इसको सल्फर एंड फॉस्फोरस भी जोड़ दिया, तो ये हमारे कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स। तो अगर ये 95% ऑफ सेलुलर पूल है तो बाकी का 5% क्या है, बाकी का 5% रेस्ट है, रेस्ट अदर्स। नाउ व्हाट आर द ट्रस्ट अदर्स, जिसपे अप्रॉक्सीमेटली 3% आपकी नॉन मेटल्स हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 2% आपके मेटल्स हैं। तो ये हो गया जी हमारा अबाउट द सेलुलर पूल के जो एलिमेंट्स की बात हो रही है। अब जो सेलुलर पूल है वो आपका दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, वन इज कॉल्ड एज द एक्वस फेस एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज नॉन एक्वस फेस, यानी जो घुला हुआ है और जो नहीं घुला हुआ। अब जो घुला हुआ है दैट इज एक्वस फेस, दिस ऑल्सो एग्जिस्ट इन द टू फॉर्म्स। तो ये आपका सॉल्युबल फेस हो गया और ये आपका इनसॉल्युबल हो गया। ओके, नाउ इसके अंदर जो सॉल्युबल है द मॉलिक्यूल्स और द आयंस और वॉट एवर द दे आर, दे एग्जिस्ट इन टू स्टेजेस और आई कैन से सॉरी टू फेजेस। वन इज कॉल्ड एज अ ट्रू सॉल्यूशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज द कोलॉइडल सॉल्यूशन। इस फॉर्म में वो पानी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो ट्रू सॉल्यूशन वाले हैं तो उनका और कोलॉइडल का आपस में क्या डिफरेंस हुआ, एक्चुअली जो ट्रू सॉल्यूशन है वो आपका होमोजीनस है और ये आपका हेट्रोजीनस है। हियर जो आपके ट्रू सॉल्यूशन में हैं मॉलिक्यूल्स, दे आर बेसिकली एग्जिस्ट एज क्रिस्टलॉइड्स, सो दे एग्जिस्ट एज क्रिस्टलॉइड्स और ये तो बता ही रहा है एग्जिस्ट एज कोलॉइड्स। तो यहां पे जो मॉलिक्यूलर साइज है, आई मीन मॉलिक्यूलर डायमीटर का हम बात करते हैं, वो है आपका लेस देन 1 नैनोमीटर। तो ये जो साइज वाइज हम बात कर रहे हैं कि 1 नैनोमीटर का जो आपका साइज होना चाहिए वो, उससे अगर कम है तो वो ट्रू सॉल्यूशन में है। अगर आपका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर और मोर है तो वो आपका कोलॉइडल और हायर फॉर्म में चला जाएगा।
नाउ नॉन एक्वस स्पेस में क्या रहता है? इसमें आपके पास जो भी इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स हैं वो आ जाएंगे, इसमें आपके सेल ऑर्गेनेल्स, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। सो ये हमारा बन गया आपका नॉन एक्वस फेस और एक्वस फेस की बात हुई। तो ये था जी अबाउट द सेलुलर पूल कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मिलकर हमने क्या बना दिया, सेलुलर पूल बना दिया। अब ये देखना है कि सेल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी टू फाइंड आउट द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एलिमेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज दैट एलिमेंटल एनालिसिस, जब उसकी बात कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने कोई भी एक लिविंग टिश्यू ले लिया, ये हमारा लिविंग टिश्यू है। अब इस लिविंग टिश्यू में ये लीव्स भी हो सकती हैं, लिवर पीस भी हो सकता है, ओके कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये ले लिया। अब इस लिविंग टिश्यू का हमने क्या किया, वेट कर लिया। मेजर वेट, तो ये जो वेट है, ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी द वेट वेट, यानी इंक्लूडिंग वाटर। अब क्या हुआ, हमने इसको ड्राई किया, ड्राई इन सन, और मे बी यू सिंपली यू कैन कीप इट फॉर सम टाइम इन शेड्स ऑल्सो, तो ड्राई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ कॉमन एग्जाम्पल ले दूँ, इफ़ यू हैव सर्टन कोरिएंडर लीव्स और मे बी काइंड ऑफ मिंट लीव्स इन योर होम, तो आपने देखा होगा जब आप वो कोरिएंडर लीव्स लाते हो तो काफ़ी होती हैं, उसके बाद आपकी मदर्स या आपके घर में आपने देखा होगा उसको हम सुखा देते हैं। सो वी मेड देम ड्राई और यूज एज अ ड्राई पाउडर, तो वो काफ़ी कम हो जाती हैं। तो अब हमने उनको जब ड्राई किया एंड नाउ वे अगेन, और ये हमारे पास कौन सा वेट आया, दिस इज आर ड्राई वेट। अब हमने क्या किया, बर्न इन द एयर, इसको आग लगा दी, बर्न कर दिया। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ऑल द compounds of carbon and hydrogen along with carbon and hydrogen along with oxygen escape as CO2 and water, mainly as escape karke aapke। तो जो पीछे बचा वो क्या रह गया, जो पीछे बचा वो रह गई आपकी ऐश, यानी राख। नाउ दिस ऐश कंटेन एलिमेंट्स लाइक सल्फर, कार्बन, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, और आपका जिंक, बोरोन, सिलिकॉन एक्सेट्रा। तो ये पूरी लिस्ट ही आ गई यहाँ पे, तो ये लिस्ट सारी की सारी ऐश में पड़ी हुई है। ओके नाउ आप यहाँ पे देखिए, आपको जो भी मिलेगा वो एलिमेंटल फॉर्म मिलेगी। यू विल गेट फॉस्फोरस बट यू विल नॉट गेट द फॉस्फेट बिकॉज ऑक्सीजन का कंपाउंड नहीं मिलेगा आपको। यू आर गोइंग टू गेट ओनली एलिमेंटल फॉर्म, नॉट एनी काइंड ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्म और कंपाउंड फॉर्म। तो ये आपको मिल गया। सो दिस वॉज द ऐश, सो दिस इज एलिमेंटल एनालिसिस विच टेल्स यू कि भी कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब यही हम बात कर रहे थे कि अगर हम इफ वी परफॉर्म द एलिमेंटल एनालिसिस
on living sample as well as non-living sample, जैसे कि अर्थ क्रस्ट, तो हमें क्या दिखता है? The list of elements obtained is not different in absolute terms. तो देयर इज नो डिफरेंस इन द एब्सोल्यूट टर्म्स. डिफरेंस कहां पे है? दे आर नॉट डिफरेंट इन एब्सोल्यूट, रादर डिफरेंस लाइज इन देयर रिलेटिव अबंडेंस. तो डिफरेंस तो उनकी रिलेटिव अबंडेंस में दिखता है. फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम बात करते हैं, मैंने अभी आपसे एक बात करी कि प्रिंसिपल एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. हम इसी को लर्न कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चार. अब इसको लर्न कैसे? ऑक्सीजन इज मोर अबंडेंट देन योर कार्बन, इज मोर अबंडेंट देन योर नाइट्रोजन, इज मोर अबंडेंट देन योर हाइड्रोजन. अगर मैं ये लिस्ट की बात करूं तो ये तो हायरार्की एनिमल लिविंग सिस्टम में ही बन जाती है आपकी. तो हम बात करें कि ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दे आर मोर इन लिविंग सिस्टम. तो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन, ओके, द कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर मोर इन लिविंग सिस्टम. तो ये तो हमारे पास आ गया एक बात, जनरल बात. अगर हम आपको यहां पे हायरार्की देखें एज पर अबंडेंस, यू कैन सी ऑक्सीजन जो है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 65%, कार्बन आपका 18.5% के आसपास है, नाइट्रोजन इज अप्रॉक्सीमेटली 3.3% एंड हाइड्रोजन इज 0.5%. ये हम बात कर रहे हैं लिविंग सिस्टम की. ओके जी, अब जरा इसी चीज को जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया केमिकल कंपोजिशन से पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे. ये देखिए, सो कहता है In higher classes, you will learn how to analyze a living tissue sample, identify particular organic compound. So, it will suffice to say one extract the compounds. और ये बातें होगी हमारी chemical analysis में. But अगर हम यहाँ पे आपको elemental analysis दिखाते हैं, तो आप ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास अगर मैं hydrogen देखती हूँ, तो earth crust में 0.14 है, और human body में 0.5 है. If I see carbon 18.5 and this is 0.03. If I see oxygen, ये point, ये आपका 65 हो गया और आपका अर्थ में 46.6 हो गया. नाइट्रोजन 3.3 और यहाँ पे वेरी लिटल. सल्फर इज ऑल्सो मोर, दैट इज 0.3, यहाँ पे 0.03. लेकिन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन 2.8, 0.2, 3.6, 1.5, 2.1, 0.1 and 27 or negligible. Yani ki sodium, calcium, magnesium, silicon. ठीक है जी, ये आपके जो है वो कहाँ ज्यादा है? वो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है. तो अगर हम बात यहाँ पे, हाँ एक और बात, अगर हम ये यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ सकता है, which is the most abundant element with you know relative percentage of mass की बात करें या percentage of weight की बात करें, तो हमारे पास that is oxygen, चाहे वो earth crust में देख लो, चाहे वो human body में देख लो. तो most abundant even among the list is the oxygen,
इवन इन द अर्थ क्रस्ट, और अगर हम ह्यूमन में देखें तो वहाँ भी ऑक्सीजन ही आती है। तो यहाँ पे एक बात तो हमें समझ आ गया कि भी ऑक्सीजन जो है दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आपका परसेंटेज वाइज, यानी वेट परसेंटेज वाइज देखते हैं जब हम। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपके पास हमने लर्न कैसे करना है इस बात को, तो इस बात को लर्न करने के लिए जैसे मैंने आपको CH1 पहले बताए थे तो हमने लर्न कर लिया कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यही हो गया सल्फर, ओके एक्सेट्रा आर मोर इन ह्यूमन बॉडी और लिविंग सैंपल, वेयर एज सोडियम कैल्शियम देन वी हैव मैग्नीशियम एंड आपके पास सिलिकॉन, ये जो चार हैं दे आर मोर ऑन अर्थ्स क्रस्ट। तो ये हो गया जी, और आई कैन से नॉन लिविंग सैंपल। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो हमें ये बताता है कि भी कौन कौन से एलिमेंट्स कैसे हैं और किस तरीके से हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द हमारा केमिकल एनालिसिस। अब ये केमिकल एनालिसिस क्यों करना है? दिस इज बेसिकली परफॉर्म्ड टू नो अबाउट वेरियस बायो मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम और इन द लिविंग सिस्टम। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो केमिकल एनालिसिस आपको बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में आइडिया देगा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक लिविंग टिश्यू लिया, ऑफ कोर्स वो लिविंग टिश्यू आपका लिवर हो सकता है, वो आपकी माइक्रोबियल पेस्ट भी हो सकती है, और वो आपका लीव्स भी हो सकती हैं। और इसको हमने डाला, दैट इज ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर। सो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर हमने इसको डाला और इसको कर दिया ग्राइंड विथ पैसल एंड मोटार। तो पैसल एंड मोटार के अंदर इसको इस तरह से ग्राइंड करके अब क्या आया, थिक पेस्ट पेस्ट और स्लरी फॉर्म्ड। ऑफ कोर्स बच्चे यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना, अगर माइक्रोबियल पेस्ट है तो उसको आप ग्राइंड नहीं करोगे तो ऑलरेडी पेस्ट है, अगर ये लिवर पीस है या लीव्स हैं देन यू नीड टू यू नो ग्राइंड इट। अब आपने इसको क्या किया, आपने इसको छान लिया यानी सीव थ्रू चीज क्लोथ, आपने इसको चीज क्लोथ में छान लिया इस तरह से, यू हैव अ वेसल और उसके ऊपर आपने लाइन अप किया कपड़ा चीज क्लोथ, और उसके अंदर जब आपने डाला तो व्हाट यू विल ऑब्टेन, यहाँ पे आपके पास कुछ आएगा और नीचे कुछ आपका लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो जो लिक्विड है उसको हमने कहा फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह गया उसको हमने कहा रिटेंटेट। तो व्हेन यू सीव थ्रू द क्लोथ यू विल गेट टू फ्रैक्शंस, वन इज कॉल्ड एज द फिल्ट्रेट एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज द रिटेंटेट। एंड दिस इज रिटेंटेट, यानी कि एक हो गई आपकी एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन और दूसरी आपकी हो गई एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या आया, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आए आपके अमाइनो एसिड्स, यू विल गेट सिंपल शुगर्स,
like monosaccharides. Okay, so ye aapke paas amino acids aa gaye, you will get the nitrogenous base, yani ki bases, yani ki aapke paas nucleotides. So you will get nitrogenous bases or you will get the nucleotides. Tides, etc. Also present sulfates and phosphates. अब यहां पे just you know focus on it. कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सारे आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स, और ये वाले आपके इनऑर्गेनिक हैं, और ये वाले जो बायो, ये आपके ऑर्गेनिक हैं. अब यहां पे हम कहते हैं मोल जो वेट है वो कितना होना चाहिए. अब एनसीईआरटी दोनों लिख रही है, वो अप्रोक्सीमेटली 18 to 800 डाल्टन्स भी ठीक है, और यू कैन हैव द रफली रेंज फ्रॉम 10 to 1000 डाल्टन्स, ये रेंज भी ठीक है आपकी. तो कुल मिलाकर ये जो आपका एसिड फिल्ट्रेट है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, और इट रफली रिप्रेजेंट द साइटोप्लाज्मिक फ्रैक्शन. तो देखा जाए ये साइटोप्लाज्मिक फ्रैक्शन कौन सी है, ये वो साइटोप्लाज्मिक फ्रैक्शन है जो कि एक्वस फेस में आई हुई है, ठीक है, यानी जो घुले हुए हैं. तो ये क्या आपको रिप्रेजेंट करती है, इट रफली रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्मिक फ्रैक्शन. ओके, तो अगर देखा जाए तो ये आपका एक्वस वाला फेस है, एक्वस फेस वाली फ्रैक्शन है. तो ये तो हो गया आपका फिल्ट्रेट के बारे में, ये जो नीचे आ गया था. अब जो ऊपर बचा उसमें क्या थे, सो दैट कंटेन, दैट कंटेन कंटेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स सच एस प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स. एंड यहां पे जो ये तीन है, वन टू दीज थ्री, दे द स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स. सो आउट ऑफ देम थ्री आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दैट इज प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. जो आपके लिपिड्स हैं, लिपिड्स आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स. जो लिपिड्स हैं दे आर योर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स हैं. क्यों? क्योंकि इनका जो वेट है, अब क्या क्राइटेरिया है मैक्रो एंड माइक्रो का, जो आपका इनका वेट है मोल वेट, वो मोल वेट है आपका 18 से 800 डाल्टन के आसपास, और जो इनका मोल वेट है, इनका जो मोल वेट है वो आपका होता है, दैट इज अप टू 10,000 डाल्टन्स और मोर. तो या तो उनका जो मोल वेट है वो आपका 10,000 डाल्टन के तक होगा, जो इनका मोल वेट है वो आ गया आपका 10,000 डाल्टन और मोर. ऑफ कोर्स
इट इज अप टू 10,000 डाल्टन्स और मोर। तो ये वेट यहाँ पे, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज हो गया, वो क्वेश्चन ये अराइज हो गया कि है तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल, तो फिर ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर रहे हैं। एक मिनट, अगर हम इस पूरी फ्रैक्शन को देखें केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आई से ये एसिड्स हैं, ये फिनॉल्स हैं, ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, इस तरह से बात करूंगी। सो अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको देखा जाए, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दे आर नाइट्रोजन कंपाउंड्स हो सकते हैं, दे कैन बी यू नो एल्कोहल, एल्कोहल कंटेनिंग, एल्डिहाइड कंटेनिंग, कंटेनिंग कंपाउंड्स हो सकते हैं। बट फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी क्लासिफाई देम, या वी कॉल देम, क्लासिफाई देम एज शुगर्स, फैट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा, हम ऐसे बात करते हैं। तो ये तो हो गया था हमारा केमिकल कंपोजिशन किस तरह से काम कर रहा है, कि भी क्या एनालिसिस आपका है। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा रह गया, वो पॉइंट ये था कि भी लिपिड्स जो हैं, अपना क्वेश्चन अराइज, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज क्या हुआ कि लिपिड्स बींग माइक्रोमोलिक्यूल्स सेपरेटेड अलोंग द मैक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन, वाई, क्या रीजन है। रीजन इज लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स आर इंटेग्रल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, एंड सेल मेम्ब्रेन्स आर इनसॉल्युबल पार्ट और नॉन एक्वस पार्ट, सो व्हेन, जब आपने पेसल एंड मोटर से ब्रेकअप किया, व्हेन ब्रोकन फॉर्म मिसल्स, एंड लिपिड्स और फैट्स, लिपिड्स गेट ट्रैप्ड इन देम, सो सेपरेटेड अलोंग देम, सो सेपरेटेड अलोंग विद देम, सो इस वजह से वो क्या होते हैं, उसके साथ ही जाकर जो है वो निकलते हैं। सो दैट इज द रीजन। तो एक बार फटाफट अब जरा एनसीईआरटी देख लें क्या कहती है। हाँ जी, पीछे एनसीईआरटी आपको कहती हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, व्हाट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हम उसका आंसर कैसे ले सकते हैं। उसके लिए हमें कोई वेजिटेबल पीस या पीस ऑफ लिवर लेना पड़ेगा, जिसके को हम जब ग्राइंड करेंगे ट्राइक्लोएसिटिक एसिड में, तो हम पेसल एंड मोटर से करके ग्राइंड उसको थिक स्लरी ले लेंगे। जब हम इसको स्ट्रेन करेंगे चीज क्लोथ से, सो वी ऑब्टेन टू फ्रैक्शन, वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, मोर टेक्निकली एसिड सॉल्युबल पूल, एंड सेकेंड इज अ जेनरेट, दैट इज एसिड इनसॉल्युबल पूल। सो वी हैव अ थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दिस। नाउ हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट विल सफाइस टू से दैट वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड, देन सब्जेक्ट द एक्सट्रैक्ट टू वेरियस सेपरेशन टेक्निक टिल वन हैज टू सेपरेट अ कंपाउंड फ्रॉम अदर कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने आपको एक वर्ड कहा कि अगर हमें सेट ऑफ कंपाउंड्स मिल रहा है, तो फिर हम उसमें से कैसे निकालेंगे कि कंपाउंड, उसके लिए वी हैव टू परफॉर्म डिफरेंट टेक्निक्स, देयर डिफरेंट टेक्निक्स आर देयर, जैसे क्रोमेटोग्राफी है और हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस है, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं और डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगल
टेक्निक्स होती हैं, तो उससे हम एक एक कंपाउंड को अलग अलग करते रहते हैं. इन अदर वर्ड्स, वन कैन आइसोलेट एंड प्योरीफाई अ कंपाउंड. एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस आइडिया अबाउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. तो जब एनालिटिकल टेक्निक्स लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमें समझ आता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या है. ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड एज बायो मॉलिक्यूल्स. हाउ एवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ऑल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जैसे हमने देख लिया, एंड कंपाउंड इन दैम. अ स्लाइट डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन. वन वे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, से लीफ, लिवर, विच इज वेट वेट, ड्राई, ऑल वाटर वेपोरेट्स, रिमेनिंग मटीरियल गिव ड्राई वेट. हाँ जी, सेम हमने किया था, वेट वेट, ड्राई वेट, देन टिश्यू को बर्न कर दिया. ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन गेट ऑक्सीडाइज, दैट इज CO2 एंड वाटर, एंड आर रिमूव्ड, सो रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश. दिस ऐश कंटेन कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट आर ऑल्सो सीन एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन. अब ये दो चीजों को मिक्स कर दिया, अब वहां पे वो एलिमेंटल एनालिसिस बता रहे हैं, साथ ही अब ये एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन पे आ गए. सॉल्यूबल फ्रैक्शन में आपको सल्फेट एंड फॉस्फेट्स मिलेंगे, लेकिन ऐश में आपको सल्फर और फॉस्फरस मिलेगा. देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव ओनली एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन. वाइल द एनालिसिस, यानी कि केमिकल की बात हो रही है, gives us idea of organic and inorganic compound. अगर elements देखने हैं तो elemental analysis करना पड़ेगा, अगर biomolecules different तरह के देखने हैं तो फिर आपको chemical analysis करना पड़ेगा. So, present in living tissue, from chemistry point of view, one can identify the functional groups like aldehyde, ketones, aromatic compounds, but from the biological point of view, we classify them as amino acids, nucleotide bases, etc. So this is all about your, just a brief introduction of your the biomolecules ka tha ye. So elemental analysis kya hai, chemical analysis kya hai, biochemistry kya hoti hai, cellular pool kya hota hai. So that's over there. Thank you very much. If you really find it helpful, to kya karna hai aapko, like karna hai, share karna hai, subscribe karna hai. Stay safe. Thank you very much.